हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपके नए वीडियो के साथ आए। दोस्तों आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ 2020 में आने वाले क्वेश्चन। इस वीडियो में केवल 18 क्वेश्चन दूंगा और 18 क्वेश्चन याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। जी हाँ, यदि 85% प्लस लाना चाहते हैं आप कानपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, इतने यदि आपको देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम के लिए, हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं। देखो इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, यदि आपका भाई हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी भी कर रहा है, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और बीए बीएससी और बीकॉम भी कर रहा है, तो उनके लिए भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप जो लाइकी लाइकी जानते हैं, लाइकी ऐप पे जो आप पिक्चर एक्चुअली जो थोड़े छोटे फनी वीडियोस देखते हैं और टिकटॉक पर, ठीक है ना, लाइकी और टिकटॉक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाइक और टिकटॉक पर हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप लाइकी और टिकटॉक पर सूरज राज नाम से होगा, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है लाइकी और टिकटॉक का, तो वो भी आप मुझे फॉलो करो फटाफट से, वहाँ भी हम लाइव आया करेंगे और हम आपको वहाँ फॉलो कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बात करने वाला हूँ पहले क्वेश्चन की, तो आपको रट लेना इन क्वेश्चनों को, इसके अलावा और कुछ और क्वेश्चन नहीं देखना एग्जाम में। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 85% दिला के रहूँगा। देखिए पेपर होते तुरंत, पेपर जैसे होगा उसके 2 घंटे के भीतर आपको पूरा पेपर का सोल्यूशन दे के आपको ये बता दूंगा, देखो ऐसा ऐसा पेपर आया और जो मैंने कहा वो सारे के सारे एग्जाम में आए, तो यार इन क्वेश्चनों को रट लेना है, ठीक है ना। और किसी भी क्वेश्चन को मत देखो, मैं बता रहा हूँ, और किसी क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2020 के एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है, वो है 3D संक्रमण। जी हाँ, देखो इंग्लिश और हिंदी में दोनों पेपर दे रखा है, तो यहां दे रखा है 3D संक्रमण श्रेणी तत्व होते हैं, उनको गुण धर्मों के बारे में बता रहे हैं, वो भी बताएं किन की तुलना करना है। 3D मतलब 3D संक्रमण जो श्रेणी है, ठीक है ना, उनकी हमें उन तत्वों के गुणधर्म के आधार पर 4D और 5D श्रेणी के तत्वों के से करनी है, ठीक है ना। मतलब कि जो 3D श्रेणी तत्व है उनकी जो श्रेणी के तत्वों की जो गुणधर्म के आधार पर तुलना करनी है, किनसे करनी है, 4D और 5D श्रेणी के तत्वों से, ठीक है ना, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंटों से उनकी तुलना कर देनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ देख लीजिए, उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात की जाए, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन एलिमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ बताने वाला हूँ, दूसरा क्वेश्चन जो आने वाला है 2020 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर टिक लगाइए। इस क्वेश्चन की बात करूँ, वो होता है कॉपर परिवार के तत्व। जी हाँ, आपसे पूछेगा कॉपर परिवार के जो तत्व है, जिसे कॉपर कहा जाता है, सिल्वर कहा जाता है और गोल्ड कहा जाता है, ये 3 परिवार के तत्व होते हैं, इनकी जो आवर्त सारणी में स्थिति आपको बता देनी है, इसकी क्या पोजिशन है, ठीक है ना। आपको ये पोजिशन बता देनी है, वो भी प्रेडिक्टेबल में, ठीक है ना, कॉपर की, सिल्वर की और गोल्ड की, ठीक है ना, क्या पोजीशन है, आपको पोजीशन बता देनी है, और जो कॉपर परिवार के तत्व उनमें बता देनी है जो कॉपर सिल्वर की क्या पोजीशन है। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन याद करना है, देखिए टिकटॉक और लाइकी पर फॉलो कर सकते हैं, और जो हेलो ऐप आता है, हेलो ऐप, ठीक है ना, हेलो ऐप आता है, उस पर भी हमें पेपर हैकर नाम से वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ भी हम जो आपके इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं, वो आपको वहाँ प्रोवाइड कराते रहते हैं। यहाँ देखिए बात करूँ तो यहाँ जो बोला जा रहा है वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संकरण तत्व कहा जाता है, याद रखना, उसे हम संकरण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को, एलिमेंटों को, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंटों को हम संकरण तत्व ही कहते हैं। उसके बाद में उनकी आपको परिभाषा बता देनी है, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं वो बता देना है, परिभाषा बता देनी है, डिफरेंस बता, उसके साथ ही साथ आपको सामान्य गुण के बारे में देख लेना, सामान्य गुण क्या है रहने वाले उनके। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बता देना है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका विन्यास होता है उसको बता देना, चुंबकीय गुण बता देनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता देनी है। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन और देखना है, देखिए क्या देखना है, ये जो जितने पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, ए बी सी मतलब इसका मतलब है डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल जो ब्लॉक के तत्व है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है वो बताना है, चुंबकीय गुण क्या प्रदर्शित करते हैं ये बताना है, और साथ ही साथ में जो संकरणीय कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना, उनको बता देना है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो आपको बता देना है, फॉर्मेशन ऑफ कल्टन तो बनाने की विधि होती है, संकर जो यौगिक होते हैं उनको किस प्रकार से संकर तत्व बनाते हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें यह क्वेश्चन पूछा ना गया हो, मुझे बता दो, वो होता है वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत। इज वेरी इंपॉर्टेंट 2020 के एग्जाम के लिए, रट लो बता रहा हूँ, रट लो, एग्जाम को टाइम बहुत कम है, तो वर्नर के उपसंयोजक सिद्धांत को आपको रट लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, देखिए वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको बता देना है। साथ ही साथ आपको जो क्लेट है, तो आप जानती हैं क्लेट यौगिक किसे कहते हैं, तो क्लेट कंपाउंड को आपको देख लेना है, उसका क्लासिफिकेशन कर देना है, साथ में उनके जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो आपको बता देना है, महत्व, ठीक है ना, जो हमके महत्व के बारे में देखना है, क्लेट यौगिक मैंने सारे के सारे, यदि आपको देखिए इसकी, आपको मैं बता दूं, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना,
यदि इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, नोट्स डाउनलोड यदि करना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स डाउनलोड करो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पूरा नोट्स बना रखा है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता बंधन सिद्धांत। तो आप जानते हैं जैसे हम आप तो जो बहुत अच्छे तरीके जानते हो गए बीबीटी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसे कहते हैं, ये आपको देखना है, इसके सीमाओं को देख लेना, लिमिटेशन क्या होती है, और आपको एग्जामिनेशन देना, एग्जाम्पल दे देना है, यहाँ उदाहरण दे के जाना। उसके बाद में नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको देखने लगा लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, जी हाँ लेंथेनाइट संकुचन कैसे कहते हैं और इसके कारणों का और इसके प्रभाव को सभी वीडियो देखना है बीएससी की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे हमारे नोट्स के जो वीडियो हैं वो पूरे अपलोड कर दी गई हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देखने वाला हूँ वो है एंटीनेट एलिमेंट किसे कहते हैं, जी हाँ एंटीनेट एलिमेंट किसे कहते हैं वो आपको बता देना है, ठीक है ना। तो एंटीनेट एलिमेंट किसे कहते हैं वो देख लेना है आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनाइट संकुचन और उनके कारणों को और उनके प्रभावों को देख लेना है, लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं वो आपको देख लेना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एंटीनाइट, जी हाँ एंटीनाइट जो तत्व है एलिमेंट है उसको देख लेना है, और साथ ही साथ आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु, आयनिक त्रिज्या और जो संकरण निर्माण है उनको देख लेना है क्या, ठीक है ना। फॉर्मेशन कंप्लेंट फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना, और जो आपका जिसे हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं वो देख लेना है, एटमिक रेडिएशन होता है वो देख लेना है रेडियल, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना है, साथ ही साथ में आपको एंथेलाइट एलिमेंट्स देख लेना है, ठीक है ना। और उसके साथ में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट 2020 के एग्जाम के लिए रट लो इसे, जी हाँ विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको याद नहीं हो रही है, रटते रटते परेशान है, एलिमेंट भूल जाते हैं, तो मैंने इसकी बहुत सारे ट्रिक बना रखी है, बहुत मोस्ट ट्रिक बना रखी है, आप लाइकी पर मुझे फॉलो करिए, बहुत सारे फॉलो एक्चुअली बन जाते हैं लाइकी पर, जो मैंने अभी बहुत अभी हाल ही में बहुत जो अभी मैंने आपको लॉगिन किया है लाइकी पे, पहले लाइकी मैंने यूज़ नहीं करता था, लेकिन बहुत ही जल्दी सारे लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, फ़ैन हो चुके हैं, लगभग 500 प्लस पॉइंट हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ यार आप भी मुझे सपोर्ट करिए, थोड़ा सा 1000 फैन होते ही तुरंत हम लाइव आना स्टार्टिंग हो जाएंगे, तो यार फटाफट उसे मुझे सपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद में आपको मानक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, और जो होता है ना रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, महत्व क्या है और उसका उपयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस वो याद कर लेना है, आप तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वो आपको देख लेना है, और नॉर्मल हाइड्रोजन देख लेना है, ठीक है ना, और रेडॉक्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो देख लेना है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसका यूज़ कैसे होता है वो देख लेना। उसके बाद में आता है लुईस अम्ल क्षार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अम्ल क्षार के लुईस सिद्धांत के बारे में देखना है, वर्गीकरण कर देना है, और उनकी सफलता है उनकी सीमा लिमिटेशन को देख लेना है, जी हाँ क्लासिफिकेशन देख लेना है किसकी, जो अम्ल क्षार है जो लुईस का सिद्धांत दिया था वो देख लेना है, उसकी असफलता क्या रही है, सफलताएं क्या रही हैं, उनकी सीमाएं क्या रही हैं, लिमिटेशन क्या रही हैं वो देख लेना है। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछा था अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो अब देखिए अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या होती है वो देखना है, अभिक्षेपक अभिक्रिया किसे कहते हैं और संकुलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपको देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखना है, देखिए ये आपको देख लेना है, अरे जो एरिफेशन जो क्वार्टेंस होता है उसके जो गोल्ड का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है वो आपको बता देना है, ठीक है ना, एरिफेस जो क्वार्टेंस है उसमें उससे गोल्ड का निष्कर्षण कैसे करेंगे आपको बता देना है, साथ ही साथ मेक ओवर जो फॉरेस्ट साइनाइड विधि है उसको के द्वारा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है सिक्कों से, देखिए सिक्का है जो सिक्के होते हैं उससे सोना कैसे प्राप्त करते हैं, और कॉपर से देखिए चांदी से कॉपर कैसे प्राप्त करते हैं आपको देखना है, देखिए सिक्के से सोना कैसे प्राप्त करेंगे और कॉपर से चांदी से कॉपर कैसे प्राप्त करेंगे आपको देख लेना है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, देखिए यहाँ आ जाता है देखिए CO2 के जो यौगिक हैं वो प्रायः रंगीन होते हैं जबकि Zn2 के यौगिक सफ़ेद होते हैं, इसका कारण क्या है ये आपको देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के एग्जाम के लिए, तो रट लेना इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन है देखिए संकरण, ये है संकरण धातु संकुल कंपाउंड है उनका निर्माण कैसे करते हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेथड इन्फॉर्मेशन कम्प्लेक्स, ठीक है ना, कंपाउंड। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है वो है देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अनुचुंबकत्व क्या होते हैं, लौह चुंबकत्व क्या होते हैं, प्रतिचुंबकत्व में अंतर, ये लौह चुंबक अनुचुंबक प्रतिचुंबकत्व आपको देख लेना है। और एक क्वेश्चन इससे IUPAC से बहुत आता है, IUPAC क्या होता है इससे आता है एक क्वेश्चन, मतलब कि आपको स्ट्रक्चर लिखा होगा और उसके बाद में IUPAC नाम क्या है आपको पूछता है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नंबर दो नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में देखिए केंद्रीय धातु की जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभावी परमाणु संख्या जिसे हम NAe कहा जाता है, ठीक है ना, सॉरी इसे NAe नहीं EAN कहा जाता है, ठीक है ना,
EAN मतलब इसे शॉर्टकट में कहा जाता है इफेक्टिव एटमिक नंबर, जी हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपसे पूछ लेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसके देखिए, ये जब आप याद कर लोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आपको उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल का आपको पता चल जाएगा, या तो फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए, ठीक है ना। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए यह कह रहा है आयनीकरण समवयता क्या होती है, जय और जी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये तो कई बार पूछा जाएगा, प्रकाशीय समवयता क्या है, आयनीकरण समवयता और जलीय समवयता, इन तीन में से एक समवयता आने वाली है। सबसे ज़्यादा तो पूछी जाती है प्रकाशीय समवयता और आयनीकरण समवयता पूछी जाती है, तो आपको देख लेना है। उसके बाद में अम्ल क्षार के जो हाई जो कहा जाता है ओरेंजियम नियम है, उनको वो देख लें, उनकी अवधारणा को देख लें, उनकी सफलताएं और लिमिट उनकी सीमाओं को याद कर लें। बस इतना आपको वीडियो में, बस इतने क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बस एक क्वेश्चन और है जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है देखिए, वो है हमारा लक्स फल्ड जो संकल्पना है उसके द्वारा आपको बताना है, यूरोकोल जो यूसिनोविच धारणा है उसको बता देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम की। बस इतना ही याद करना है, कुछ भी और नहीं याद करना। अब नेक्स्ट वीडियो हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री के सेकंड पेपर को लेकर आने हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए मैं आपको जो बताना जो क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हमें अब लाइक ही पर फटाफट एक्चुअली फॉलो करिए, और साथ ही साथ में आपको वहाँ फैन हो जाना है, और उसके बाद में फॉलो करने के बाद में आपको हमारे जो टिकटॉक है टिकटॉक पर भी फॉलो कर देना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर। गुड बाय।